हेलो नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि भाई आप देख रहे हैं, हम लगातार आपके साथ एसएससी जीडी को लेके बने हुए हैं और लगातार बने रहेंगे। मेरा प्रयास यही है भाई, आपके एसएससी जीडी में आने वाले हिंदी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके गलत ना हो, उसी प्रयास में भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का एक और नया सेशन। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। भाई संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण की बात कर रहा है, नहीं है, हमें यह देखना है कौन सा नहीं है। पहली बात कर लेते हैं भाई, दिया गया है जो व्यक्ति अपनी आपत्ति से विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। भाई दूसरा दिया गया है, यह अच्छा विचार है। दूसरा दिया गया है सर, यह अच्छा विचार है। तीसरा दिया गया है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तीसरा दिया गया है, जिससे चोट लगती है वही पीर समझता है। मतलब भाई जिसे चोट लगती है वही पीर का मतलब दर्द समझता है। देखिए भाई, आप यहाँ देख रहे होंगे संबंध बनाया जा रहा है कि भाई जिसे चोट लग रही है उसी को दर्द होगा, तो ये नहीं होगा। ये कह रहा है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं गिरता है। यहाँ भी जो का प्रयोग किया गया है, यहाँ जिसे प्रयोग किया गया है भाई, यहाँ जो का प्रयोग किया गया है, सबके सब संबंधवाचक सर्वनाम है और कौन सा हमारा नहीं है तो वो ऑप्शन भी नहीं है। भाई जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम का में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। कह रहा है यह घटना अद्भुत है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी अर्थ का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। देखिए भाई, पूछ रहा है नहीं किया गया है कौन सा है। यह घटना आश्चर्यजनक है, यह घटना विलक्षण है, यह घटना भयानक है या यह घटना अपूर्व है। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं अद्भुत की, तो जैसा आप देख रहे होंगे भाई कि अद्भुत का मतलब आश्चर्य भी अद्भुत होता है, विलक्षण प्रतिभा अद्भुत प्रतिभा का है, और अपूर्व जिसका अनुमान नहीं किया गया था, अपूर्व मतलब अद्भुत घटना है, और भाई भयानक जो है ये हमारा इसका समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे भाई हमसे कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए, अपनी घड़ी में के वजह है, मतलब सॉरी आपकी घड़ी में के वजह है। के क्या होता है भाई, के नहीं कितना बजा है। ठीक है, आपकी घड़ी में कितना बजा है या कितने बजा है, सही है सर। ठीक है, तो भाई अब हम देख लेते हैं बजे हैं कितने बजे हैं, सॉरी ये कह रहा आपकी घड़ी में कितने बजे हैं की बात है, तो सर यहां पर प्रयोग के कितना नहीं कितने होगा। ठीक है सर, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं ये प्रयोग किया जाएगा, तो भाई घड़ी बिल्कुल सही है, के नहीं होगा। के की जगह क्या यूज किया जाएगा, के की जगह भाई कितने यूज किया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया, इसको सही करके कर लेते हैं। देखिए भाई ऐसे करके, के सही आंसर है इसका, के नहीं होगा। के की जगह क्या होगा, के की जगह भाई कितने बजे हैं। ठीक है सर, कितने बजे हैं आपकी घड़ी में, आगे बात कर लेते हैं। करा भाई, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ चयन कीजिए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। भाई चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना का मतलब क्या होगा भाई, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, मतलब उड़ान भरना, अचानक गिरना, घबराना या चुप रहना। भाई चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मतलब घबराना, वह आदमी घबरा गया है, घबराना इसका सही आंसर होगा। भाई आप लोग को दिख रहा होगा सही से, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। भाई कमल शब्द का पर्यायवाची है क्या है भाई, नीरद है, कंचन है, जलद है या राजीव है, तो भाई आप सब जानते हैं इसका सही आंसर राजीव हो जाएगा। राजीव इसका सही आंसर हो जाएगा। सर
बात कर लेता हूँ मैं भाई कंचन की। कंचन का क्या होता है, थोड़ा सा इसका कलर बदल के बात करते हैं भाई। कंचन का मतलब होता है स्वर्ण से। स्वर्ण जो है वह भाई कंचन का है। आपको नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मिटा के बढ़िया कलर ले लेते हैं। कलर ले लेते हैं सर ये वाला, विजिबल है सर, देखिए बताएंगे ज़रा, विजिबल है, विजिबल है सर, विजिबल है सर, आगे आ जाइए भाई। स्वर्ण का होता है, सॉरी सर, स्वर्ण का पर्यायवाची है। अब भाई नीरद और जलद किसके पर्यायवाची हैं, भाई नीरद और जलद बादल के पर्यायवाची हैं। हाँ, अगर ये जलद की जगह नीरज होता या जलज होता तो सर ये कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है नीरद और जलद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। करा मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिए, दीजिएगा, ठीक है। इस वक्त में दीजिएगा स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग क्या होगा भाई, भेजिएगा, लीजिएगा, सोचिएगा या आइएगा। देखिए भाई कह रहा है मुझे आप, करा मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। भाई दीजिएगा पुराने पत्र पे, मतलब पुराना जो उसका पता है उस पे पत्र आप क्या करते हैं, भेजते हैं। तो क्या सही आंसर होगा भाई, भेजिएगा। ठीक है सर, भेजिएगा इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं। करा ऊपर की ओर जाने वाला, भाई ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है, उपही कहलाता है, उर्छत कहलाता है, ऊर्ध्वगामी कहलाता है या अस्तचल कहलाता है। भाई इसका सही आंसर सी, ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है भाई निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। भाई सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण देखना है, आप लोगों को दिख रहा होगा सही से, सही से दिख रहा है सर, बताएं थोड़ा सा भाई, दिख रहा है। कह रहा है तुम तो बहुत व्यस्त रहे, ठीक है, सॉरी तुम तो बहुत व्यस्त हो। दूसरा कह रहा है उसने अपने माली को कमल से, वो सॉरी उसने अपने माली को काम से निकाल दिया। तीसरा कह रहा है हमारे से अब यह सब नहीं होता है, ठीक है। चौथा कह आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। देखिए भाई आप देख रहे होंगे पहले में बात कर रहा है, बिल्कुल सही, तुम तो बहुत व्यस्त हो, बिल्कुल सही सर्वनाम प्रयोग किया गया है। दूसरा कह रहा उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, बिल्कुल सही है सर। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, बिल्कुल सही है सर। गलत क्या है, हमारे से अब यह काम नहीं होता, गलत है। क्या होगा सर, हमसे अब यह काम नहीं होता, हमारे से नहीं सर, किससे, हमसे, हमसे यह काम अब नहीं होता। नहीं दिख रहा है सर, इधर लगा देते हैं, इधर लिख देते हैं, क्या हमसे अब यह काम नहीं होता है, हमसे अब यह सब नहीं होता है। ठीक है सर, आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है जिसमें शक्ति ना हो, भाई क्या कहलाता है, असक्त कहलाता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे बात कर लेते हैं भाई, समय का ज़्यादा व्यस्त नहीं करते हुए सीधी बात करते हैं भाई, व्यर्थ हमें नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का भी पेपर है और आपको भी जल्दी जल्दी ही पढ़ना ही है। ठीक है भाई, कह रहा है असक्त हो जाएगा जिसमें शक्ति ना हो। ठीक है भाई, आगे आ जाइए सर। कह रहा है जो स्त्री प्रिय बोलती है, भाई क्या होती है, जो स्त्री प्रिय बोलती है क्या कहलाती है, कर्ण प्रिय, प्रियसी, प्रियवदा या कोमलांगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, सॉरी सर, इसका सही आंसर होगा भाई प्रियंवदा। प्रियंवदा मतलब प्रेम से बोलने वाली, प्रेम जिसकी भाषा में मधुरता है, प्रेम से बोलती है। अब भाई आप कहेंगे सर कर्ण प्रिय क्या होता है, कर्ण प्रिय कान को प्रिय लगने वाला, कर्ण प्रिय जो कान में कुंडल पहना जाता है भाई उसको कहा जाता है। इसमें हो जाएगा कान को प्रिय लगने वाला। ठीक है भाई, सही है सर, कान को प्रिय लगने वाला। प्रियसी की बात की जाती है तो भाई प्रियसी होती है प्रेमिका। ठीक है सर,
प्रेमिका होती है, प्रेमिका को प्रेयसी कहा जाता है। सर आगे आ जाइए, कोमलांगी मतलब कोमल अंग वाला, ठीक है सर, थोड़ा कलर चेंज करके बात करेंगे सर। कोमलांगी मतलब कोमल अंग बाला या बाली, ठीक है सर, सब देख लिया सर हमने। कर्णप्रिय कान को प्रिय लगने वाला, प्रियसी मतलब प्रेमिका, और प्रियवदा मतलब प्रेम से बोलने वाली स्त्री, और कोमलांगी मतलब कोमल अंगों वाला, ठीक है सर। आगे आ जाइए, कह रहा भाई रायका बनाना। रायका क्या बनाया जाता है, एक मुहावरा बहुत फेमस है, बात बात में बढ़ जाती है, तो ये बात बढ़ एकदम छोटी सी बात बहुत बढ़ चढ़ जाती है, जब लड़ाई बढ़ जाती है और बात बहुत छोटी होती है तो अधिकतर प्रयोग किया जाता है भाई रायका बना दिया। क्या बना दिया सर, रायका पहाड़ बनाना, ठीक है सर। रायका घर बनाया, दीवार या किला नहीं सर, क्या बनाया जाता है, रायका पहाड़ बात की जाती है, ठीक है सर। आगे आ जाइए, आए कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, भाई शुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा है। पहला है राघव अपने मामा के साथ घूमने गया, ठीक है। कह रहा रमेश आगरे गया था, सीता पटने से आती है। आगे है अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। सर जी बताइएगा जरा, देखिए आपके सामने चारों हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है। करा राघव अपने मामे के साथ घूमने गया, देखिए सर यहाँ देख रहे होंगे राघव अपने मामे, मामे क्या होता है सर, मामे मामा के साथ घूमने गया सर, ठीक है सर, एक मिनट का बस टाइम, ठीक है सर। देखिए कह रहा है भाई मामे, मामे नहीं मामा के साथ घूमने गया सर, ठीक है। रमेश आगरे गया है, भाई आगरे नहीं आगरा होता है, गलत है, ये भी गलत है। कह रहा है सीता पटने से आती है, भाई पटने से नहीं पटना से आती है, सीता पटने से नहीं आती है भाई, पटना से आती है। आगे कह रहा है अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है सर बिल्कुल, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, बिल्कुल सही है सर। आगे आ जाइए, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, भाई अशुद्ध भाग चयन करना, कह रहा अध्यापक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया। भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से बताएं किसका क्या है, क्या देख लिया, ठीक है सर। पहला कह रहा है भाई अध्यापक ने आपकी, ठीक है भाई, अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया, ठीक है। आगे है भाई पहला दे रहा अध्यापक ने आपकी, दूसरा कह रहा है अभ्यास पुस्तिका का, तीसरा लिया है, आगे कह रहा है अवलोकन करके देख, भाई अवलोकन करके देख लिया है गलत है, अवलोकन नहीं, आपका अवलोकन नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे आ जाइए सर, आगे कह रहा है राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है, ठीक है सर। इसमें भाई बताना क्या है, कह रहा है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द, देखिए भाई विलोम शब्द बताना है, उन्नति का क्या होता है अवनति, सही है सर अवनति होता है, तो अवनति पहला ही ऑप्शन दिया गया है हमें, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है सर। आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सर बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चंचला नहीं है, टटनी नहीं है, दामिनी नहीं है, या तड़ित नहीं है, तो सर मैं सही बता दूं इसका आंसर जो है दामिनी नहीं है। अब कहेंगे सर दामिनी भाई किसका होता है, दामिनी भाई किसी का तो होता होगा, ऐसे क्यों नहीं है, तो भाई दामिनी की मैं बात कर लूं, दामिनी मतलब नदी, ठीक है सर, दामिनी मतलब नदी या दरिया होता है सर, ठीक है सर, नदी या दरिया होता है सर, ठीक है सर, नदी या दरिया है, इसलिए इसका सही आंसर दामिनी है भाई, दामिनी इसका सही आंसर है।
आगे आ जाइए सर, देखिए ये आगे की स्लाइड खाली है और बस खाली है। देखिए सर, यहाँ पर हम रोज आपके सामने, जैसे कि मैं भाई आपको बता दूँ कितने लेके आ रहे हैं, 15 प्रश्न आपको करा रहे हैं रोज, ठीक है सर। आपके आ कितने रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ठीक है सर, 20 आ रहे हैं, ठीक है सर। 5 क्वेश्चन जो रह जाते हैं सर, वह आपके गद्यांश और पद्यांश के होते हैं, ठीक है सर। इसी के साथ सर आप बने रहे हमारी वीडियो में, भाई लगातार हमारे चैनल को देखिए। सर मैं देख रहा हूँ आप जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए सर वीडियो को, और सर बने रहे हमारे चैनल पर। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद सर।